डॉक्टर आर के भास्कर और मैडम जो मेरे बाएं साइड में बैठी हैं, नाम बताइए मैडम का। मान्या मान्या जी हैं और इनका ट्रीटमेंट लगभग 4 साल पहले ट्रीटमेंट ओवर हो गया था, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था इनको रिटेनर लगाने के लिए। लोअर में तो इनका लिंगुअल रिटेनर जो फिक्स है वो लगा हुआ है, अपर में भी डॉक्टर ने लगाया था लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ब्रेक हो गया था। फिर इनको रिवल हॉलीज अप्लाइंस दिया गया था, फिर ये भूल गई और आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उस भूलने की सजा क्या है, अब आप खुद बताओ। मेरे दांत में से गैप्स हो गए हैं गैप्स हो साइड गए हैं तो साइड आप में। प्लीज़ क्लोज करें कैमरा को और आप दिखाएं यहाँ पे कि गैप्स कहाँ आ गए हैं। तो इसीलिए सारे पेशेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी ऑर्थो ट्रीटमेंट में कोई भी केसेज हो तो रिटेनर जब दिया जा रहा है तो प्लीज़ इसको लगाएं, नहीं तो इस तरह से गैप्स क्रिएट होंगे। चूँकि इनके 4 दांत ऊपर, 2 प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर और लोअर के प्रीमोलर निकाले गए थे, तो अब जाके इन्होंने लापरवाही की और जिसकी वजह से दांतों के बीच में गैप आ गया और ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा दांत प्रोक्लाइंड हो गया और अब इनको होश आया है तो आज ये मेरे पास आई है कि भाई कुछ तो कर दो कम बजट में। तो मैंने उसी को अप्लाइंस करना मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके आज इनको लगा रहा हूँ। तो ठीक अब लग रहा है? ओके, थैंक यू सो मच।